नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। पॉजिटिव समाचार के जरिए हम आपको एक ऐसे नवयुग के आध्यात्मिक आंदोलन से जोड़ रहे हैं जो वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना को वास्तविकता में उतार रहे हैं। विश्व भर की कई संस्थाएं इस आंदोलन से जुड़कर विश्व को खुशहाल और शांतिमय जगत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। PSSM भी इस आंदोलन से जुड़कर अपना अहम योगदान दे रहा है। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस का। ब्रह्मर्षि पत्रीजी ने पिरामिड वैली में पूरे किए 100 दिन। PMC कन्नड़ ऑफिस में लोगों से मुलाकात के बाद पहुंचे महेश्वरा महापिरामिड। नेहा कालराजी लोगों को ले जा रही हैं अध्यात्म की ओर। हाल ही में गदरपुर पहुंच गांव वालों को करवाया ध्यान। ऑनलाइन किड्स समर कैंप का आयोजन। मास्टर शुभांगी जी और मास्टर नीता भुजवानी जी बच्चों को विस्तार से बताएंगे ध्यान के बारे में। प्रभाषिनी जी ने विद्या मंदिर के बच्चों को करवाया ध्यान, साथ ही बच्चों को अध्यात्म के फायदों से करवाया अवगत। पूनम जी को समर कैंप में किया गया आमंत्रित, जहां बच्चों को आनापाना सती ध्यान करवाया। दिल्ली के नरेश जी और ममता जी के घर हुआ ध्यान सत्र आयोजित, कई मास्टर्स हुए सम्मिलित, लोगों से साझा किए अनुभव। मौसमी दास जी ने मरीजों और डॉक्टर्स को करवाया ध्यान, अलग अलग विभागों में भी जाकर वहां के स्टाफ को करती हैं अध्यात्म के प्रति प्रेरित। PMC हिंदी ने 7 दिन की ऑनलाइन कार्यशाला का किया आयोजन, 18 शहरों में लोगों को किया जागरूक। भारत के पिरामिड में आज जानेंगे एक और अद्भुत पिरामिड के बारे में, जिसका निर्माण करवाया पिरामिड मैन ने। विशेष खबर में आज देखिए पंजाब में आयोजित विशेष कार्यक्रम के बारे में और पर्यावरण दिवस में PSSM के योगदान के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मर्षि पितामह पत्रीजी 100 दिन पिरामिड वैली इंटरनेशनल में बिताने के बाद अब करताल पिरामिड के लिए निकल चुके हैं। पिरामिड वैली में पत्रीजी ने बासवा भवन की नींव रखी और वहां से PMC कन्नड़ ऑफिस पहुंचे। वहां के लोगों से मुलाकात के बाद उन्होंने बुद्धा पिरामिड कर्नूल की ओर प्रस्थान किया। ब्रह्मर्षि पत्रीजी 5 और 6 जून बुद्धा पिरामिड में ध्यानियों से मिले, उनको ध्यान करवाया और फिर 7 जून को महेश्वरा पिरामिड पहुंचे। पत्रीजी आने वाले कुछ दिन यहीं पर बिताएंगे। ध्यान से जो भी जुड़ता है उसके जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव आते हैं और फिर ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है। इसी तरह से नेहा कालराजी, जो कि उधम सिंह नगर की रहने वाली हैं, खुद तो ध्यान के लाभ से लाभान्वित हुई ही हैं और अब वो दूसरों को भी ध्यान सिखाने में जुट गई हैं। नेहा जी जगह जगह जाकर ध्यान करवाती हैं। वो हाल ही में गदरपुर गई और वहां सबको ध्यान के लाभ के बारे में बताने के बाद ध्यान भी करवाया। वहीं अनमोल जी और नेहा जी बालिका विद्या मंदिर की कुछ छात्राओं और शिक्षिकाओं को गुलारबोज डैम ले गई, जहां इन सब ने प्रकृति के बीच ध्यान किया। ध्यान के बाद छात्राओं ने यहाँ की सुंदरता को अपने चित्रकारी के माध्यम से कागज पर उतारा। नेहा जी और अनमोल जी ब्रह्मर्षि पत्रीजी के दिखाए मार्ग पर चलकर ध्यान जगत के निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और मास्टर नीता भुजवानी जी और मास्टर शुभांगी वशिष्ठ जी ने बच्चों के लिए ऑनलाइन किड्स समर कैंप का आयोजन किया, जिसका शीर्षक है ज्ञान भारत वर्चुअली। इस कैंप में 7 से 14 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। इसमें लॉ ऑफ कर्मा का सेशन रखा गया है, जिसकी क्लास नीता भुजवानी जी लेंगी और माइंडफुलनेस की क्लास शुभांगी जी लेंगी। ये दोनों मास्टर्स बच्चों को आसान शब्दों में इन विषयों पर पूरी जानकारी देंगी। प्रभाषिनी दास जी उड़ीसा ब्लेसिंग्स टीम से हैं। इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य अध्यात्म के प्रचार प्रसार को बना लिया है। प्रभाषिनी जी ने उड़ीसा के चंद्रपाड़ा में स्थित विद्या मंदिर विद्यालय के बच्चों को ध्यान करवाया, साथ ही उन्होंने बच्चों को आनापानासती ध्यान के फायदों के बारे में भी बताया। ध्यान के बाद प्रभाषिनी जी ने बच्चों को रोज ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित किया। कोलकाता की रहने वाली पूनम जी, जो कि एक गृहिणी है और PSSM इनर सर्कल टीम से भी जुड़ी हुई है,
पूनम जी पिछले 3 साल से ध्यान कर रही हैं और तभी से ये जगह जगह जाकर लोगों को अध्यात्म के लाभ के बारे में भी अवगत करवाती हैं। हाल ही में इन्हें इनके पैतृक गांव वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में बच्चों के लिए आयोजित समर कैंप में आमंत्रित किया गया, जहां पहुंचकर पूनम जी ने बच्चों को आनापानासती ध्यान करवाया। साथ ही निवेदिता कल्याण आश्रम, जहां आदिवासी कन्याएं रहती हैं, वहां भी पूनम जी ने ध्यान करवाया। उन्होंने कन्याओं को खाने पीने की चीजें भी उपहार में दी। इस आश्रम में रोज सुबह ध्यान करवाया जाता है और पूनम जी कन्याओं के मार्गदर्शन के लिए अक्सर आश्रम जाती रहती हैं। दिल्ली के डाबरी में ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जिसका विषय था ध्यान का विज्ञान और ध्यान में होने वाले 7 अनुभव। इस सत्र का आयोजन मास्टर ममता जी और नरेश जी के घर पर किया गया, जहां पिछले कुछ समय से ध्यान सत्र का आयोजन किया जा रहा है। नरेश जी हाल ही में ध्यान से जुड़े हैं और वो चाहते हैं कि लोगों के बीच ध्यान का प्रचार प्रसार होता रहे। वहीं मास्टर देवजानी गिरी जी, गुरजीत जी, रागनी जी और रूपाली भी अक्सर शनिवार को आयोजित ध्यान सत्र में जाते हैं और लोगों को आनापानसती ध्यान के प्रति जागरूक करते हैं। बाबू सिंह नायक जी मध्य प्रदेश स्थित धार के रहने वाले हैं और पेशे से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं। बाबू सिंह नायक जी जब से ध्यान में आए हैं, सभी को ध्यान के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही सभी स्कूलों में ध्यान को अनिवार्य करवाने की मुहिम में भी जुटे हुए हैं। बाबू सिंह नायक जी स्वयं हर सुबह ध्यान करते हैं और जिन लोगों से भी मिलते हैं, उन सभी को ध्यान करने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं धार में आजादी अमृत महोत्सव के तहत स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां की प्रिंसिपल ने बाबू सिंह नायक जी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। रामबाबू जी ने यहां ग्रेजुएशन के छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ के सदस्यों को योग और ध्यान के बारे में ज्ञान दिया। इसके साथ ही उन्होंने कॉलेज में मौजूद सभी लोगों को PMC और PSSM के बारे में भी बताया, जिससे युवा आसानी से ध्यान से जुड़ सके। इसके बाद बाबू सिंह नायक जी ने पास ही स्थित टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर ब्रह्मकुंडी विद्यालय के शिक्षकों को आनापानसती ध्यान के बारे में बताया, जिससे वो आगे जाकर अपने छात्रों को भी ध्यान से जोड़ सके। इस तरह बाबू सिंह नायक जी मध्य प्रदेश में जोरों शोरों से ध्यान के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। दिल्ली की टीम जोरबा द बुद्धा ने जगह जगह ध्यान कक्षाएं आयोजित की, जिसका मकसद है घर घर में ध्यानी योद्धा बनाना, जिसके तहत मास्टर फुलतुशी जी और गुरप्रीत जी लोगों को अध्यात्म के प्रति जागरूक कर रही हैं। साथ ही वो हर घर में जोरबा द बुद्धा तैयार करने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान मास्टर्स ने संगीत ध्यान भी करवाया। मौसमी दास जी एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं और PSSM इनर सर्कल टीम से जुड़े हुए हैं। इन्होंने न केवल मरीजों को बल्कि डॉक्टर्स को भी ध्यान करवाया और आनापानसती ध्यान के बारे में बताया। मौसमी जी अलग अलग विभागों में जाकर मरीजों को और वहां के स्टाफ को ध्यान करवाती हैं। आपको बता दें कि मौसमी जी बचपन से ही आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हैं। जब उन्होंने PSSM और PMC के बारे में जाना तो वो उससे प्रभावित हुई और उनके ध्यान के अनुभव और गहरे हुए। तभी से मौसमी जी ब्रह्मर्षि पत्री जी और रागनी सेल्वराज जी के मार्गदर्शन में ध्यान से और अधिक गहराई से जुड़ गई हैं। दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शुभम सक्सेना जी ने ध्यान सत्र का आयोजन किया, जिसमें BEd फर्स्ट ईयर के छात्र और छात्राओं ने 30 मिनट आनापानसती ध्यान किया। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों को ध्यान से होने वाले फायदों के बारे में भी बताया। आपको बता दें कि डॉक्टर शुभम सक्सेना जी पिछले 1.5 साल से ध्यान कर रही हैं और तभी से वे यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों और स्टाफ को ध्यान के लिए प्रेरित करती हैं। ब्लेसिंग्स टीम से जुड़े अश्विनी कुमार साहू जी ने ध्यान को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है। अश्विनी जी जयपुर के रहने वाले हैं और एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हैं। ध्यान से जुड़ने के पश्चात ही अन्य लोगों को भी ध्यान से जोड़ने की मुहिम से जुड़ गए हैं और सभी को अध्यात्म के लाभ के बारे में अवगत करवाने में लगे हैं। अश्विनी जी रोजाना अपने आसपास के लोगों को आनापानसती ध्यान के बारे में बताते हैं और उन्हें ध्यान भी करवाते हैं। यहाँ तक कि अश्विनी जी अपने कार्यालय में और आसपास के अन्य कार्यालयों में भी लोगों को ध्यान के बारे में ज्ञान देते हैं। इसके अलावा वो गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को ध्यान सिखाते हैं।
शीतल वर्मा जी ध्यान से जुड़ गई हैं और अपने साथ साथ अन्य लोगों के कल्याण में भी जुटी हुई हैं। शीतल जी ने बख्तावरपुर गांव में एक समारोह के दौरान 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की, जिसमें समारोह में आए सभी लोगों को पहले तो उन्होंने ध्यान के बारे में बताया और उनसे आनापानसती ध्यान करवाया। ध्यान के बाद लोगों ने स्वयं में अद्भुत ऊर्जा के संचार का अनुभव साझा किया। आपको बता दें कि शीतल जी साल 2018 में ध्यान से जुड़ी और तभी उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी टीम बनाई। वह इस टीम के साथ ध्यान का प्रचार कर रही हैं। इसके अलावा शीतल जी ऑनलाइन सत्र भी लेती हैं। मास्टर नवप्रीत कौर जी और अमनदीप जी ने पंजाब के सरकारी विद्यालय में ध्यान सत्र आयोजित किया। इस सत्र का मुख्य विषय था ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स मदर नेचर, जिसके तहत मास्टर्स ने प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और उसे संजोए रखने का संकल्प लिया। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने ध्यान के बाद अद्भुत आनंद का अनुभव किया और ध्यान को आगे भी लोगों तक पहुँचाने का संकल्प लिया। ध्यान के प्रचार प्रसार में जुटी पीएमसी की हर टीम देश के कोने कोने में ध्यान को ले जाने में अपना अहम योगदान दे रही है। जन जन तक ध्यान को पहुंचाने की अपनी इस मुहिम के तहत पीएमसी महाराष्ट्र ने मेडिटेशन एंड इनलाइटनमेंट कैंप आयोजित किया है, जिसकी शुरुआत 3 जून को राजस सोसाइटी कटराज पुणे में की गई। यहाँ पर ध्यान सत्र का आयोजन संगीता कुलकर्णी जी द्वारा किया गया, जिसके वक्ता ध्यान रत्न रामराजू जी रहे। अगले दिन 4 जून को 2 अन्य कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिसमें पहली कार्यशाला सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक की थी, जिसमें रामराजू जी ने ध्यान सत्र लिया और लोगों को आनापानसती ध्यान से अवगत करवाया। ये कार्यशाला पुणे के पास देहू में पवित्र नंदरुकी वृक्ष के पास की गई। ये वही स्थान है जहाँ से तुकाराम महाराज जी ने वैकुंठ प्रस्थान किया था। इसके बाद दूसरा सत्र 5:00 बजे से 8:00 बजे तक चौदेश्वरी मंदिर के देवांग समाज हॉल में किया गया था। यहाँ भी रामराजू जी ने ध्यान के बारे में लोगों से अपना अमूल्य ज्ञान साझा किया था। इस सत्र को मास्टर गीतांजलि जी ने आयोजित किया। फिर 5 जून को 10:00 बजे से 6:00 बजे तक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया पीएमसी महाराष्ट्र ने, जिसका मुख्य विषय था ध्यान और आत्मज्ञान शिविर। इस शिविर का आयोजन राजीव गांधी ई स्कूल लर्निंग हॉल शंकर नगर में किया गया था। इस कार्यक्रम में ध्यान रत्न पीवी रामराजू जी और पीएसएसएम के ब्रह्मर्षि श्रीकांत कुलकर्णी जी, ब्रह्मर्षि शशिकांत जोशी जी, सोलापुर के सीनियर पिरामिड मास्टर जी चंद्रशेखर रेड्डी जी, पुणे के मास्टर श्रवण महेश जी और शशि लोधी जी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ध्यान से जोड़ने के अपने मिशन को एक कदम और आगे बढ़ाया। एवी साई कुमार रेड्डी जी और के वेणु गोपाल रेड्डी जी ने मुंबई स्थित मुलुंड पिरामिड सेंटर में अपना ज्ञान साझा करते हुए लोगों को ध्यान के महत्व के बारे में बताया। इस दौरान रेड्डी जी और वेणु गोपाल जी ने अपनी किताब ब्रीथ अ ब्रिज टू द यूनिवर्स एंड माय जर्नी विद पत्री जी किताब का विमोचन किया। इस कार्यशाला में 300 पिरामिड मास्टर शामिल हुए। आपको बता दें कि साई कुमार रेड्डी जी पत्री जी के पर्सनल सेक्रेटरी हैं और वो पिछले 2 दशकों से लगातार पत्री जी के साथ रह रहे हैं। ऐसे ही वेणुगोपाल रेड्डी जी लगातार ब्रह्मर्षि पत्री जी के साथ रह रहे हैं और साथ ही वो स्पिरिचुअल इंडिया स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन के मुख्य संपादक की भूमिका भी निभा रहे हैं। कोरियाई लेखक इल्ची ली की बुक I have decided to live 120 years को हिंदी में अनुवादित कर दिया गया है। यह किताब न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर किताब है, जिसका दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर काजल तहरी जी ने हिंदी में अनुवाद किया है। इस किताब में इल्ची ली जी ने अपने सभी शोध टिप्स ट्रिक्स और ज्ञान को विस्तृत रूप से लिखा है। इल्ची जी अपनी इस किताब में उम्र बढ़ने के नियम को भी भ्रम बता रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि क्या 120 साल तक जीना संभव है, या कोई और उम्र जो चाहता है उस उम्र तक जी सकता है, क्या यह भगवान या भाग्य के हाथ में है जो कि तय करता है कि हम कितने समय तक जीवित रहेंगे, या कुछ और है। यदि हम आध्यात्मिक चर्चाओं में कही गई अपनी वास्तविकता खुद बनाते हैं, तो क्या हम यह तय कर सकते हैं कि हम किस उम्र तक जीना चाहते हैं।
इन सभी सवालों के साथ लिखी गई किताब को अब हिंदी भाषी लोग भी आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको बता दें, इल्ची जी का जन्म कोरियाई युद्ध की शुरुआत में सन 1950 में हुआ था। उन्होंने बहुत छोटी सी आयु में ही अपने जीवन के अर्थ के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। आगे चलकर उन्होंने ब्रेन एजुकेशन नामक 5 चरणीय पद्धति की तकनीक को व्यवस्थित किया। यह व्यक्तियों को स्वास्थ्य, खुशी और शांति बनाने के लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग करने में मदद करती है। PSSM और PMC हिंदी ने एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें देश भर के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। स्वयंसेवक ध्यान के प्रचार प्रसार की मुहिम से जुड़कर दूसरों को भी इनसे जोड़ रहे हैं। ये कार्यशाला 27 मई से 2 जून तक 18 शहरों में चली, जिसके माध्यम से घर घर में सत्य का दर्शन की अपनी मुहिम को एक साकार रूप देने की PMC हिंदी ने सकारात्मक और दृढ़ शुरुआत कर दी है। अगर आप इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे PMC हिंदी कार्यालय के नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब रुक करते हैं भारत के पिरमिड की ओर। भारत के पिरमिड में आज हम जानेंगे एक खास पिरमिड के बारे में, जो कि एक रिजॉर्ट में बना है और जिसे बनाया है पिरमिड मैन की उपाधि से नवाजे गए सतीश अग्रवाल जी ने। आइए जानते हैं कौन सा है ये पिरमिड। पिरमिड डिवाइन होम ध्यानियों और मास्टर्स के लिए प्रकृति के निकट एक ऐसा अद्भुत स्थान है जो उन्हें अध्यात्म की गहराई में ले जाता है। पिरमिड होम डिवाइन की स्थापना 2015 में उत्तराखंड में की गई थी। यह भारत में सबसे हाल ही में विकसित वेलनेस सेंटर्स में से एक है। देहरादून के मुख्य शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर मसूरी की आकर्षक तलहटी में स्थित PhD पिरमिड के विज्ञान पर आधारित एक अद्भुत रिजॉर्ट है। रिजॉर्ट को पिरमिड के आकार की छतों और गुंबदों के माध्यम से मेहमानों की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि सदियों से हम अपने मंदिरों पर गुंबदों और पिरमिडों को देख रहे हैं और जिनके बारे में माना जाता है कि वे सभी स्थानों को सकारात्मक ऊर्जा देने में मदद करते हैं। इसी तरह से पिरमिड सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करता है और ऊर्जा को 3 गुना ज्यादा एकाग्रता के साथ संग्रहित करता है, जिसके बाद उसमें ध्यान करने वालों की ऊर्जा पिरमिड की ऊर्जा से मिलकर 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा भी पिरमिड ऊर्जा कई लाभ प्रदान करती है, इसीलिए पिरमिड होम डिवाइन के सभी कमरों में वास्तु उपचार का उपयोग करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया गया है, जिससे हमारे दिमाग को नकारात्मक आदतों और विचारों से दूर रहने में मदद मिलती है और व्यक्ति का संपूर्ण जीवन पूरी तरह से सकारात्मक जीवन में बदल जाता है। सतीश जी कहते हैं कि वो अपने मेहमानों और सदस्यों को नए कौशल सिखाने के लिए कई तरीके प्रदान करना चाहते हैं और साथ ही वो विभिन्न प्रकार के कौशल, शिक्षा और हस्तक्षेपों पर केंद्रित नियमित कार्यशालाओं का आयोजन भी करते हैं, जो वहाँ मौजूद लोगों के समग्र जीवन को उजागर करते हैं। साथ ही सतीश जी अपने पिरमिड में आने वाले प्रत्येक अतिथि के लिए व्यक्तिगत कल्याण कार्यक्रम भी डिजाइन करते हैं। PhD में साल भर कई कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पिरमिड यंत्रों के उपयोग के साथ आपका जीवन कैसे बेहतर बनाएं, अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स समूह कार्यशालाएं, शैक्षिक कार्यशालाएं, कॉरपोरेट कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं मन पर ध्यान केंद्रित करने और मानसिक रूप से स्पष्ट और भावनात्मक रूप से शांत स्थिति को प्राप्त करने के लिए ध्यान कक्षाएं संचालित की जाती हैं। साथ ही यहां के क्वीन चैम्बर में मूल रूप से एक रेस्तरां है, जिसे खूबसूरती से डिजाइन और निर्मित किया गया है। यहां साल भर सैलानी आते हैं, छुट्टियों का आनंद लेने के साथ ही ध्यान में भी जुड़ते हैं।
और अब रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। आज हम जानेंगे पंजाब में आयोजित 9 दिन के ध्यान सत्र के बारे में, जिसमें पीएसएसएम के सीनियर मास्टर्स लोगों का मार्गदर्शन करने पहुंचे। इस आयोजन में सीनियर मास्टर्स और गुरुद्वारा माई देसा के मुख्य सेवादार बाबा जसबीर सिंह जी लोगों को ध्यान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस आयोजन के बारे में। संत बाबा जसबीर सिंह जी ने लोगों को बताया कि श्री गुरु नानक देव जी ने पवन को गुरु कहा है और पवन हमारी सांस ही है। सांसों के साथ एक होकर हम सहज ध्यान में उतर सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने जिस तरह से ध्यान में उतरने के लिए सांसों को माध्यम बताया, उसी तरह पीएसएसएम भी सांसों के माध्यम से ही ध्यान करने का संदेश देता है और इसी संदेश को पंजाब के जन जन तक पहुंचाने के लिए पीएसएसएम के सीनियर मास्टर्स पहुंचे बठिंडा, जहां 9 दिन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम माई देसा जी और गुरु गोविंद सिंह जी की याद में आयोजित किया गया है। माई देसा जी गुरु गोविंद सिंह जी की महान प्रेमी सिख थीं। वो सदा प्रार्थना करती थीं कि गुरु जी एक बार उनसे मिलने उनके गांव आए। अपने अनुयायी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए सन 1706 को गुरु गोविंद साहिब जी इस स्थान पर आए और उस प्रेमी आत्मा को दर्शन दिए। गुरु साहिब जी इस जगह पर 9 दिनों तक रहे। इस दौरान उनके साथ माता सुंदर कौर जी और माता साहिब कौर जी भी मौजूद रही थीं। गुरु गोविंद साहिब जी, माता साहिब कौर जी और माई देसा जी की याद में आज भी उनकी कई निशानियां यहां सहेज करके रखी गई हैं, जिनके दर्शन करने के लिए देश विदेश से संगत इस स्थान पर आती है और गुरु गोविंद जी का आशीर्वाद प्राप्त करती है। पूरे विश्व में ये एक अकेला ऐसा स्थान है जहां पर उन निशानियों को वैसे ही सहेज कर रखा गया है जैसे कि वो पहले थी। माई देसा जी की भक्ति और गुरु गोविंद सिंह जी के आगमन की खुशी में इस 9 दिन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के पहले दिन से ही गुरुद्वारे में प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक सहज ध्यान करवाया जाता है। वहीं 3 मई को यहां एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिससे लोगों को ध्यान के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। इस विशेष कार्यक्रम का लाइव प्रसारण पीएमसी हिंदी पर किया गया। वहीं पीएमसी पंजाब और पीएसएसएम ग्लोबल पर इस कार्यक्रम की पूरी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पीएसएसएम की इस मुहिम से जुड़ सकें। 31 मई को इस कार्यक्रम की शुरुआत दमदमा साहिब गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकालकर की गई, जिसकी समाप्ति चक फतेह सिंह गुरुद्वारे में की गई। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों को सीनियर मास्टर्स और गुरुद्वारे के सेवादार बाबा जसबीर सिंह ने ध्यान के बारे में विस्तार से बताया और ध्यान करवाया। बाबा जसबीर जी ने आयोजन में शामिल लोगों को बताया कि गुरु ग्रंथ साहब में भी ध्यान के महत्व का उल्लेख किया गया है। प्रकृति के साथ हर व्यक्ति का संबंध बेहद खास होता है। प्रकृति अपनी सौम्यता से हर किसी का मन मोह लेती है। जाने कितने ही कवियों की प्रेरणा है प्रकृति, जाने कितने निराश लोगों को जीवन की नई आस देती है प्रकृति। और प्रकृति के इसी साथ की सराहना के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आइए अपनी इस खास रिपोर्ट में जानते हैं पर्यावरण से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। पर्यावरण बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के सबको एक समान रूप से लाभ देता है, लेकिन ये हम इंसान ही हैं जो जिससे कुछ लेते हैं उसे ही नुकसान भी पहुंचाते हैं। हमारी अनावश्यक जरूरतों के लिए हमने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया। कहते हैं ना कि हर किसी को एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास होता ही है, तो अब मनुष्य को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचा के उन्होंने किस हद तक खुद को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि आज के समय में ज़्यादातर लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, जगह जगह पौधे लगा रहे हैं, उन्हें सींच रहे हैं, नदियों को साफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहते हैं कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का साथ और सहयोग ही पृथ्वी को हरा भरा और खूबसूरत बना सकता है। यह काम करने के लिए आज लाखों हाथ उठ रहे हैं और पर्यावरण को सजोने की एक मुहिम शुरू की जा चुकी है। यही वजह है कि विश्व भर में पर्यावरण दिवस के मौके पर कई तरह के समारोहों के आयोजन किए गए हैं। यूं तो सबसे पहले पर्यावरण दिवस की शुरुआत की थी
संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को देखते हुए स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जन्म हुआ तथा हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निश्चय किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना था, जिसमें अब PSSM भी अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। PSSM ने पहल करते हुए SWAGG की संस्थापिका परिणीता पत्री जी ने अपने हर ध्यानी से 10 पौधे लगाने की अपील की है, जिससे वो पर्यावरण को मजबूती देने की शुरुआत कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने पानी बचाओ और हरियाली बढ़ाओ विषय के अंतर्गत पर्यावरण को बचाने की एक अनोखी पहल की है, जिसमें सभी लोग एक साथ आए और पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। साथ ही दूसरे लोगों में भी जागरूकता पैदा करने और पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वहीं फरीदाबाद के भूमि ध्यान केंद्र ने ताड़ और आम के पौधे लगाए और लोगों को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही करताल, हैदराबाद में PMC अंग्रेजी टीम ने महेश्वर महापिरमिड में 100 से ज़्यादा आम के पौधे लगाए हैं, तो वहीं पायमा कर्नाटक की टीम ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 111 से अधिक पौधे लगाए। PSSM इस मुहिम से जुड़ने के लिए देश के हर एक नागरिक से अनुरोध करता है कि वो अपने आसपास पौधे ज़रूर लगाएं, ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PMC हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। PMC हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नजदीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।